भारत में, हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये कामना करते हैं कि भारत में भी अमेरिका जैसे दंगे हो जाएं। वो भारत में भी ऐसी तस्वीरें देखना चाहते हैं जो तस्वीरें आजकल आपको अमेरिका से देखने को मिल रही हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो चीन के साथ टकराव में भारत को हारते हुए देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने ही देश से दुश्मनी निकालने का एक भी मौका छोड़ते नहीं, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चीन की बात हो, या फिर अब अमेरिका में दंगों की बात हो। आप चीन के साथ साथ भारत के टकराव का ही ये उदाहरण लीजिए। भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और डिजाइनर पत्रकार इस समय अपने ही देश की सरकार को कोस रहे हैं, अपने ही सेना पर फिर से सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी चीन के खिलाफ एक शब्द अब तक नहीं कहा है। आपने ये नोट किया होगा कि ये सारे लोग भारत सरकार, अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, कई लोग सेना की भी आलोचना कर रहे हैं, सेना के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति चीन के बारे में नहीं बोल रहा है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। इतना ही नहीं, ये लोग भारत और चीन के टकराव के बीच चीन का ही एजेंडा यहां पर चला रहे हैं। आपको याद होगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के समय चीन का बचाव किया। हम जैसे जो लोग हैं, हम लगातार चीन पर सवाल उठाते रहे, लेकिन ये लोग वो हैं जो ये कहते रहे कि चीन की कोई गलती नहीं है। ये वो लोग हैं जो चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, चीन जो तस्वीरें इन्हें भेजता है उन तस्वीरों को ट्वीट करते हैं, अपने न्यूज़ चैनल्स पर चलाते हैं और बताते हैं कि चीन में सब ठीक ठाक है। और चीन की बातों और तर्कों को ना सिर्फ ये लोग सही मानते हैं बल्कि इनका प्रचार भी करते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे देश में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की क्यों है जो चीन का साथ दे रहे हैं, और ये चीन का साथ दे क्यों रहे हैं, इसे हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और कुछ तस्वीरें जरूर देखी होंगी। इन तस्वीरों के बारे में ये प्रचारित किया गया कि ये लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की तस्वीरें हैं। कई लोगों ने ये फेक न्यूज भी फैलाई कि कुछ भारत के सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया है, ये भी कहा गया। शनिवार को एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसके बारे में दावा किया गया कि लद्दाख में चीन के सैनिकों को भारत के सैनिक उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के तुरंत बाद कुछ और तस्वीरें वायरल हुई जिनके जरिए साबित करने की कोशिश हुई कि कुछ भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों ने बंधक बना लिया है। इसमें से एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर बहुत शेयर किया गया और इसे लेकर भारत सरकार को बहुत कोसा गया। ये तस्वीरें चीन के कुछ ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई थी। फिर से बता देते हैं, चीन के ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें ट्वीट हुई थीं जिन्हें हमारे यहां के कई विपक्षी नेताओं ने शेयर किया। हालांकि भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर इन वीडियोस और तस्वीरों को खारिज किया है, इन्हें झूठा बताया है, फेक बताया, यानी कुछ लोग झूठी तस्वीरों के जरिए दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाना चाहते हैं और ये लोग अपने देश को हारते हुए देखना चाहते हैं। जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपसे थोड़ी देर पहले हमारे साथ बातचीत में भी कहा कि इस मुद्दे को शांति से हल करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में इस तरह की तस्वीरें माहौल को बिगाड़ सकती हैं। हालांकि आप इसे चीन का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी कह सकते हैं जिसके जरिए चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है और इसमें चीन की मदद भारत का ही गिद्ध गैंग कर रहा है। अब हमने इस गैंग को एक नया नाम दिया है, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है उसको तो आप जानते ही हैं, अलगाववादी जो है उनको भी आप जानते हैं, अर्बन नक्सल्स जो हैं उनसे भी हम आपका परिचय करवा चुके हैं। अब हम आपका परिचय कुछ नए लोगों से कराना चाहते हैं और ये नए लोग हैं पत्रकारिता के गिद्ध, वल्चर्स ऑफ जर्नलिज्म। ये लोग चीन को इतना पसंद करते हैं कि इन्हें चीन के खिलाफ भारत की सख्ती नजर नहीं आती, जबकि भारत पूरी मजबूती के साथ ये संदेश दे चुका है कि भारत ना तो चीन से लगी सीमा पर अपने इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बंद करेगा और ना ही इस इलाके से पीछे हटेगा।
तो इस तरह के वीडियोस दिखाकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि जो वीडियोस चीन वायरल कर रहा है एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने के लिए, उन वीडियोस को हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश के विपक्षी नेता, बुद्धिजीवी और पत्रकार यहां पर ट्वीट कर रहे हैं और इन वीडियोस को लेकर तालियां बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए चीन की जो सेना है वो हमारे कितने अंदर तक घुस आई है। और यही वजह है कि पहले युद्ध की तैयारियों की बात करने वाले चीन ने पिछले कई दिनों से अब शांति संदेश देने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भारत झुका नहीं। चीन को ऐसा लगा था कि भारत झुक जाएगा और भारत कुछ नरमी दिखाएगा, लेकिन भारत ने नरमी दिखाई नहीं और भारत लगातार सख्ती के साथ अपनी बात रख रहा है। चीन का विदेश मंत्रालय बार बार अब ये कह रहा है कि भारत और चीन की सीमा पर स्थिति काबू में है, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य संवाद चल रहा है और बातचीत के जरिए दोनों देश किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। अब इसे आप चीन की बहानेबाजी कहिए या फिर उसकी मजबूरी, लेकिन ये बात साफ है कि चीन के लिए ये इतना आसान नहीं है कि वो आक्रामक रवैया अपनाकर भारत को झुका लेगा, क्योंकि ये 1962 का नहीं बल्कि 2020 का भारत है, 2020 का भारत है। चीन को शायद गलतफहमी होगी कि यह भारत अब भी 1962 के दौर में ही जी रहा है। तानाशाही की तर्ज पर चलने वाले चीन की इस रणनीति के बारे में पूरी दुनिया आप जानती है, इसलिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इन्होंने भारत का साथ दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन उग्र रवैया दिखाकर दूसरे देशों के लिए खतरा बन रहा है। भारत की सीमा पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। अमेरिकी संसद की विदेश मंत्रालय की समिति ने भी कहा है कि भारत की सीमा पर चीन के रवैये से वो बहुत चिंतित है। इससे चीन ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि वो बातचीत से मामले सुलझाने में नहीं बल्कि धौंस दिखाने में भरोसा रखता है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने कहा है कि कुछ देश अपनी सीमा से बाहर के इलाकों में जबरदस्ती दखल देकर बिना वजह तनाव बढ़ाते हैं, जो किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं है। वैसे चीन की आदत यही है कि किसी झगड़े में अगर दूसरा देश उसे कोई रियायत देता है तो वो इसे दोस्ती नहीं बल्कि उसकी कमजोरी मान लेता है। इसलिए भारत ने अब तक बिल्कुल सही किया है कि चीन को किसी भी तरह की अब तक कोई रियायत नहीं दी है। और अब इसमें बड़ी बात यह हो गई है कि भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है और उसमें औपचारिक रूप से चीन के बारे में भी बात हुई है। और अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो इस समय चीन के साथ शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो इस समय चीन का साथ देगा। चीन की जो छवि है वो इस समय बहुत खराब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत की छवि इस समय बहुत अच्छी है। भारत अब G7 जैसे ग्रुप्स में जाने वाला है और भारत की ताकत इस दौरान बढ़ी है। भारत के साथ बड़े बड़े देशों का कूटनीतिक समर्थन है, लेकिन चीन ऐसे समय में जिस समय वो एक तो पूरी दुनिया में COVID-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बदनामी झेल रहा है, बहुत सारे देश उससे नाराज हैं, दूसरा चीन को अपने ही घर में यानी अपने ही लोगों से अब समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि अपने ही लोग सवाल उठा रहे हैं। अर्थव्यवस्था चीन की बहुत नीचे जा रही है और उनकी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत नीचे जा रहा है, इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं। इस सब के बीच चीन को ये लगा कि वो भारत जैसे शक्तिशाली देश के ऊपर अगर इस तरह का दबाव बनाएगा तो आसपास के जो देश हैं, खासतौर पर भारत के जो पड़ोसी देश हैं और चीन के जो पड़ोसी देश हैं, उनमें आप म्यांमार से लेकर वियतनाम तक इन देशों को गिन सकते हैं, इन सब देशों को एक संदेश जाएगा और वो ये कि भारत जो है वो चीन के सामने कमजोर पड़ रहा है और ये सारे के सारे जो देश हैं ये चीन की नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे और चीन की छवि इससे कुछ हद तक बच जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि जब चीन में आर्थिक दृष्टि से उनके समाज में कमजोरी आने लगेगी, क्योंकि अभी तक जो चीन की सरकार दमन करती थी अपने लोगों का वो तभी तक लोगों का स्वीकार्य था जब तक उन्हें दो वक्त की रोटी मिल रही है, जब तक वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब जब अर्थव्यवस्था वहां कमजोर होगी तो लोगों की जो तनख्वाहें हैं वो भी कम होंगी और लोगों की खुद की आर्थिक जो समस्याएं हैं बढ़ने लगेंगी, आर्थिक दृष्टि से लोग कमजोर होंगे, ऐसे में वो चीन की सरकार पर सवाल उठाएंगे। इसलिए चीन के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस तरह का कोई ना कोई ड्रामा रचे। एक और वजह यह भी हो सकती है कि चीन अमेरिका जैसे देशों को संदेश देना चाहता है, क्योंकि अमेरिका अब आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाला है चीन के ऊपर। आर्थिक प्रतिबंध अगर एक बार लग गए तो चीन की जनता की हालत खराब हो जाएगी और चीन में एक सामाजिक रूप से बहुत असंतोष फैल जाएगा।
हो सकता है कि चीन ये चाहता हो कि वो भारत पर इतना दबाव डालकर अमेरिका को बीच में लाए और फिर अमेरिका से कुछ रियायत लेने की कोशिश करे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो कुछ आपको नजर आ रहा है वो इतना साधारण नहीं है। लेकिन हमें उन लोगों को भी कोई रियायत नहीं देनी चाहिए जो लोग असल में ये चाहते हैं कि चीन के सामने भारत झुक जाए। इन्हें आप चीन के वो सैनिक कह सकते हैं जिन्होंने कोई वर्दी तो नहीं पहनी है, जो बॉर्डर पर भी नहीं है, लेकिन भारतीय सीमा के अंदर ही चीन के लिए ये लोग काम कर रहे हैं और ये हमारे ही देश में मौजूद हैं। अपने ही देश से दुश्मनी और चीन से दोस्ती निभा रहे हैं वो, इसलिए क्योंकि चीन ने अपना एजेंडा चलाने के लिए इन लोगों पर काफी निवेश किया है, वर्षों तक मेहनत की है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो चीन द्वारा प्रायोजित दौरों पर जाते हैं, मुफ्त के दौरों पर जाते हैं। इन्हें मुफ्त की टिकट दी जाती है, हवाई टिकट दिया जाता है, 5-स्टार होटल्स में ठहराया जाता है, हफ्ते 10 दिन तक इनको घुमाया फिराया जाता है। ऐसे थिंक टैंक्स मौजूद हैं जिन्हें चीन से फंडिंग मिलती है और ये बड़े बड़े पत्रकार और बुद्धिजीवी उन थिंक टैंक्स का हिस्सा हैं और वहीं से इनकी दुकानदारी चलती है। ये पूरी दुनिया को पता है किस तरह से चीन की कम्युनिस्ट सरकार दुनिया भर की मीडिया को अपने पक्ष में करने के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करती है। इसके जरिए बड़े बड़े अखबारों में चीन के पक्ष में लेख लिखवाए जाते हैं, पत्रकारों को प्रायोजित दौरों पर भेजा जाता है। 2019 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि चीन की सरकार दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए मीडिया पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करती है। इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में चीन के विज्ञापन छापे जाते हैं ताकि उन अखबारों को अपनी तरफ किया जा सके। ट्रेनिंग और सेमिनार्स के नाम पर दुनिया भर के पत्रकारों को चीन अपने यहां प्रायोजित दौरों पर बुलाता है। चीन की यह रणनीति सुन ज़ू के विचारों से बनी है, प्रभावित है उनसे, जो प्राचीन चीन के सैन्य रणनीतिकार और मशहूर दार्शनिक थे। उनके मुताबिक दुश्मन पर हमला करने के बजाय दुश्मन के दिमाग पर हमला करना ज्यादा बेहतर होता है। दुनिया भर के मीडिया हाउस और पत्रकारों को अपने वश में करके चीन की कम्युनिस्ट सरकार यही काम करना चाहती है और उसने हमारे देश में जो मौजूद हैं लोग, जिनको आप अर्बन नक्सल्स कह लीजिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कह लीजिए, क्योंकि फाइनली जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं और पाकिस्तान इस समय चीन की टीम में खेलता है। इस कनेक्शन को आप समझिए। बुद्धिजीवियों, नेताओं और पत्रकारों का एक गैंग चीन पर निर्भर है, इसलिए इन्हें आत्मनिर्भर भारत की बात अच्छी नहीं लगती। ये नहीं चाहते भारत कभी आत्मनिर्भर बने। जो लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, चीन पर निर्भर बुद्धिजीवी, नेता और पत्रकार उनके विचारों का मजाक उड़ाते हैं और ये वही लोग हैं जो सोनम वांगचुक के भी अब पीछे पड़ गए हैं। अब आप ये नोट कीजिए, अगर आपने आज चीन पर सवाल उठा दिए, अगर आपने आज पाकिस्तान पर सवाल उठा दिए, तो हमारे देश के ये सारे के सारे गिद्ध प्रवृत्ति के जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, कुछ फिल्म एक्टर्स हैं, ये सारे के सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। और आप ये करके देख लीजिए। लेटेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक को पूरा देश जानता है, पूरे देश में उनका सम्मान है क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है, खासतौर पर लद्दाख में उन्होंने बहुत शानदार काम किया है और वो कभी भी विवादों में नहीं रहते। लेकिन इस बार चीन के खिलाफ जैसे ही उन्होंने मोर्चा खोला, हमारे ही देश के लोग उनके पीछे पड़ गए। उनके बारे में आपने कई दिनों से कुछ सुना और पढ़ा होगा। आपको उनका एक संदेश है जो आपको शायद फेसबुक पर या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आया होगा। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर हैं, आविष्कारक हैं और मशहूर हिंदी फिल्म 3 इडियट्स उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेकर बनी थी। सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले हैं और उन्होंने सीमा पर ताजा विवाद के बाद मेड इन चाइना सामान के बहिष्कार की मुहिम को नए सिरे से शुरू किया है। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक ने ऐसा किया, भारत में कुछ एक खास विचारधारा वाले लोग उनके दुश्मन बन गए, उनके पीछे पड़ गए। इनमें कई नेता और पत्रकार शामिल हैं। सोनम वांगचुक ने कहा था कि चीन को जवाब देने के लिए सभी भारतीय लोग हफ्ते भर में सारी चाइनीज ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें। इस अपील के बाद उन्हें बहुत लोगों का समर्थन मिला और लोग टिकटॉक समेत तमाम चाइनीज ऐप्स को अनइंस्टॉल भी करने लगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को यह बात पसंद नहीं आई। उमर अब्दुल्ला ने सोनम वांगचुक के विचार और मुहिम का मजाक बनाया और कहा कि अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस टिकटॉक डिलीट कीजिए और उससे ही चीन के सैनिक लद्दाख से भाग जाएंगे। कई डिजाइनर, पत्रकारों और संपादकों ने भी ऐसा ही किया। ये लोग
सोनम वांगचुक को उनके वीडियो मैसेज पर घेरने में जुट गए और कहने लगे कि टिकटॉक तो अनइंस्टॉल कर देंगे, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट्स का क्या होगा जो चीन से आ रहे हैं। चीन ने जिस तरह से दुनिया भर के बाजारों पर कब्जा किया है, उसकी वजह से चीन के प्रोडक्ट्स का पूरी तरह से अचानक बहिष्कार नहीं किया जा सकता, ये सही है। लेकिन अगर सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति चीन को जवाब देने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, तो फिर इसमें समस्या क्या है? देश के दुश्मनों के खिलाफ बोलने में इन लोगों को इतना बुरा क्यों लग जाता है? अब हम आपको बताते हैं, आप खुद सुनिए कि सोनम वांगचुक ने क्या कहा है। सामान्यतः जब सीमा पर तनाव होता है तो हम आप जैसे नागरिक ये सोचकर सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे, मगर मैं आज आप लोगों को ये ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं, दो तरफा जवाब हो और उसमें नागरिक जवाब भी हो। चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशहाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही ज़रूरी है, और जिस दिन जीडीपी घट जाए वहाँ की जनता क्रांति के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज़्यादा वॉलेट पावर काम आएगी, जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में। ज़रा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मार कर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5,00,000 करोड़ के सामान खरीदते हैं, और फिर यह पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती है। तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए और उसके जनता रोष में आए, विरोध और तख्ता पलट। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, ज़रा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। ये तो हुई हार्डवेयर की बात। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, चैरिट, इन सब में मस्त उन्हें दूसरी तरफ से करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक नागरिक जवाब ज़रूर दें और इसे एक अभियान बनाएं ग्लोबल मूवमेंट की तरह। ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो अभियान है वो भारत के लिए भी एक वरदान साबित होगी। जहां तक एप्स और सॉफ्टवेयर की बात है तो हमारे युवाओं को एक हफ्ते में उन्हें अनइंस्टॉल करना चाहिए। बॉयकॉट मेड इन चाइना सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर, क्योंकि साजो सामान के लिए वक्त लगेगा हमारे अपने देश से और बाहर से विकल्प निकलने तक, तो उसे हम एक साल के अंदर कर सकते हैं। तो ये हम न सिर्फ अपना प्रतिज्ञा करें बल्कि 100 और लोगों को इसके बारे में समझाएं, शेयर करें सोशल मीडिया पर, और हमारी जो मीडिया है वो जनता तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। और जैसे ही इसका असर दिखने लगेगा, इंटरनेट से ऐप्स लाखों में करोड़ों में अनइंस्टॉल होंगे, तो चीन को संदेश साफ जाएगा। तो आप देखिए, सोनम वांगचुक आपसे ये कह रहे हैं कि चीन से लड़ने का काम, देश के दुश्मनों से लड़ने का काम सिर्फ फौज पर मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि लड़ने का काम तो सिर्फ सैनिक करेंगे, देश के नागरिक भी इस लड़ाई में हिस्सा ले सकते हैं। और वो हिस्सा लेने का मतलब ये होगा कि आप जो चीन का सामान है उसका बहिष्कार करें और स्वदेशी सामान को खरीदें, ताकि आपके यहाँ के उद्योग और इंडस्ट्री और आगे बढ़ सके, यहाँ के लोगों की कमाई हो सके, यहाँ के लोगों का जो
जो पैसा आप खर्चते हैं वो हमारे देश के लोगों की जेब में जाए, चीन के लोगों की जेब में क्यों जाए। खास बात जो उन्होंने बताई है वो ये कि अगर चीन में वहां का समाज और वहां के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हुए, यानी अगर उनकी इकोनॉमी डूबी, तो ये सारे के सारे लोग अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तैयार बैठे हुए हैं सारे के सारे लोग, सिर्फ इसलिए चुप बैठे हैं कि अभी तक चीन की सरकार इन्हें रोजगार दे रही है और सबको पैसा मिल रहा है। जैसे ही ये रोजगार जाएगा, पैसा बंद हो जाएगा, आर्थिक स्थिति वहां की आम जनता की कमजोर हो जाएगी, ये लोग चीन की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे, जो चीन से बाद में संभलेगा नहीं। ये बात उन्होंने बहुत खास तौर पर कही है। और दूसरी बात यह है कि ये काम हमारे देश के सैनिक नहीं बल्कि हमारे देश के नागरिक ही कर सकते हैं, और इसलिए हमें चीन को कई तरह के युद्ध में हराना चाहिए। जहां सैनिक की बात है वहां सेना से लड़ाई करनी चाहिए, और जहां आर्थिक बाजार की बात है वहां इस तरीके से लड़ाई करनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि नागरिक के तौर पर आप चीन के सामान का बहिष्कार करके उसे आर्थिक झटका दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसी कोशिशों का मजाक उड़ा रहे हैं हमारे देश में, लेकिन असल में इन बातों का बड़ा असर होता है। देश में 7 करोड़ व्यापारियों के महासंघ द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने कहा है कि वो अपने व्यापारियों को ये बात समझा रहे हैं कि वो चीन में बने सामानों के बजाय भारत में बनी हुई चीजों को ही बेचें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिमूव चाइना एप्स नाम का एक ऐप भारत में बहुत लोकप्रिय हो रहा है आजकल। ये ऐप आपके मोबाइल फोन में सभी चाइनीज ऐप्स की पहचान करके उन्हें डिलीट करता है। गूगल प्ले स्टोर पर 2 हफ्ते में ही इस ऐप के 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसी से आप चीन के खिलाफ हमारे देश के लोगों की नाराजगी को समझ सकते हैं, और इसीलिए हमारे देश के जो गिद्ध हैं ये बड़े परेशान हैं। मोबाइल ऐप मार्केट की अगर बात करें तो भारत में चीन के ऐप्स का दबदबा पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ गया है। आपके मोबाइल फोन अगर आप अभी चेक करेंगे, आपके मोबाइल फोन में ही न जाने कितनी चाइनीज ऐप्स निकल आएंगी। मोबाइल ऐप डाउनलोड्स के मामले में 2017 में टॉप 100 ऐप्स में सिर्फ 18 चाइनीज ऐप्स थे, लेकिन 2018 में टॉप 100 ऐप्स में चाइनीज ऐप्स बढ़कर 44 हो गए। टिकटॉक, वीगो वीडियो और यूसी ब्राउजर जैसे चाइनीज ऐप्स का भारत में बहुत बड़ा यूजर बेस है। जैसे टिकटॉक के भारत में 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इसी तरह हार्डवेयर मार्केट में भी चीन का दबदबा है। चीन के बहुत सारे फोन कंपनियां और मोबाइल फोन बनाने वाले ब्रांड्स भारत के घर घर में पहुंच चुके हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के हाथ में जो आपका मोबाइल फोन होगा वो चीन की ही किसी कंपनी का हो। अगर चीन के इन ब्रांड्स, इन ऐप्स और इन कंपनियों को भारत से आर्थिक चोट लगेगी तो फिर चीन को समझ में आ जाएगा कि भारत से उलझने का मतलब क्या है। भारत के लोग चीन में बने इन मोबाइल ऐप्स को अनइंस्टॉल करके एक हद तक चीन को जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत की उन कंपनियों का क्या होगा जिनमें चीन का बड़े पैमाने पर पैसा लगा हुआ है। ऐसी भी तो बहुत सारी भारतीय कंपनियां हैं जो हैं तो यहीं की, लेकिन पैसा उनमें चीन का लगा हुआ है। क्या ऐसी कंपनियां भी चीन से आने वाले निवेश का लालच छोड़ पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। चीन सीमा पर भारत को अपनी ताकत दिखा रहा है, तो अर्थव्यवस्था के दम पर भी चीन भारत को चोट पहुंचाना चाहता है। लेकिन यहां आपको एक बात समझनी चाहिए, और वो ये कि चीन की सेना भले ही आकार में बहुत बड़ी हो और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित हो, आपको देखा होगा आपने कि हमारे देश के पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने और दुनिया भर के बड़े बड़े पब्लिकेशंस ने, अखबारों ने चीन की सेना को लेकर लोगों को बड़ा डराया है। आपको भी चीन की सेना को लेकर बहुत डराया गया होगा, और आपको ये बताया गया होगा कि चीन की सेना बहुत विशाल है, उसके पास जबरदस्त हथियार हैं, जबरदस्त ताकत है, और भारत की सेना तो चीन के सामने टिक ही नहीं पाएगी, भारत का कोई चांस ही नहीं है। ये सब बातें अभी तक आपके दिमाग में भरी गई होंगी, लेकिन आप दूसरा पक्ष जानिए। सच यह है कि चीन ने आखिरी बार कोई युद्ध आज से 41 वर्ष पहले 1979 में लड़ा था, और चीन ये युद्ध हार गया था। तब चीन का ये युद्ध वियतनाम के साथ हुआ था और चीन की सेना की बड़ी बुरी हालत हुई थी। तब से लेकर अब तक चीन की सेना ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला, कोई मैच नहीं खेला, यानी बेकार बैठी है। जबकि इस दौरान भारत की सेना लगातार अलग अलग युद्ध लड़ती भी रही है और युद्ध की तैयारियां भी करती रही है। भारत की सेना को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने की आदत पड़ चुकी है और भारतीय सैनिक इसमें माहिर हैं। जैसे भारत ने आखिरी बार 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा था, और भारत की सेना आए दिन आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ भी लड़ती ही रहती है। आपने देखा होगा
आए दिन हमारी जो लड़ाई है आतंकवादियों से होती है कश्मीर में, दूसरे बॉर्डर्स पर घुसपैठियों से होती रहती है, अगर आप बीच में जाएंगे भारत में तो नक्सलवादियों से हमारी लड़ाई चलती रहती है। यानी हमारे एक साथ न जाने कितने मोर्चे भी खुले हुए हैं जहां हमारी सेना अलग अलग पॉकेट्स में लड़ती रहती है। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन की सीमा पर भी भारत की सेना हमेशा मुस्तैद रहती है। पाकिस्तान के साथ भी आए दिन हमारा कुछ ना कुछ छोटा मोटा शेलिंग और झगड़ा चलता रहता है, और यही वजह है कि भारत की युद्ध की स्थिति में भारत की सेना खुद को बहुत जल्द तैयार कर सकती है, जबकि चीन की सेना ने पिछले 41 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अपने घर में भी न तो किसी बड़ी चुनौती का सामना किया है न ही कोई युद्ध लड़ा है। चीन की सेना सिर्फ अपने ही देश के लोगों का दमन करने का काम करती है, ये खास बात है, ये अंतर है चीन की सेना में और हमारी सेना में। चीन की सेना वहां की सरकार का एक टूल है जिसे वहां की सरकार अपने ही लोगों का दमन करने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन अपने लोगों पर काबू पाने और युद्ध में दुश्मन को हराने में बहुत फर्क होता है। इसके अलावा भारतीय सेना भारत के लोगों के लिए एक आदर्श है। आप जानते हैं भारतीय सेना का कितना सम्मान है हमारे देश में, यानी भारत के लोग हर परिस्थिति में अपनी सेना का साथ देते हैं और राष्ट्रवाद की भारत की सेना और भारत के लोगों को ये आपस में जोड़ते हैं। यानी भारत में जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जबरदस्त है, भारत का हर बच्चा भारत की सेना के पीछे खड़ा रहता है, जबकि चीन की सेना को अपने लोगों से उतना समर्थन हासिल नहीं है जितना भारतीय सेना को है। चीन में राष्ट्रवाद का वो माहौल नहीं है, राष्ट्रवाद की वो लहर भी नहीं है, और ना ही चीन के लोग अपनी सेना के पीछे इस तरह से खड़े हैं जैसे भारत के लोग खड़े हैं, क्योंकि चीन के लोगों को कभी ये लगता ही नहीं कि उनकी सीमाओं पर चीन की सेना उनकी रक्षा के लिए खड़ी है। यानी युद्ध की स्थिति में चीन के पास हथियारों और सैनिकों की तादाद भले ही भारत से ज्यादा होगी, भारत से ज्यादा उनके पास आधुनिक हथियार होंगे, शक्ति हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन राष्ट्रवाद का बल उनके पास नहीं है। चीन की सेना के पास नैतिक बल नहीं है, चीन की सेना के साथ चीन के लोग नहीं खड़े हुए हैं, और यही चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। और चीन का हर सैनिक इस बात को जानता है और वो महसूस करता है इस बात को, और यही सबसे बड़ा अंतर है भारत की सेना और चीन की सेना में। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर डाउनलोड इट नाउ।